औषधि लीजिए। आपका साहस तो प्रशंसनीय है। इतनी शारीरिक पीड़ा होने के पश्चात आप संगीत के रसपान में ऐसे डूबे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। संगीत के मधुर सुर तो आत्मा के गहरे घाव भी भर देते हैं बंधु। अवश्य। आपसे एक निवेदन करें। अवश्य। आप राजकुमारी जी के क्रोध को भड़काया मत कीजिए। अब जितना उनके क्रोध को भड़काते हैं उतना वो और अधिक कठोर होती जाती है। सुना है अब की बार अत्यंत कठोर योजना लेकर वो आने वाली है। रंग है दुनिया का, ये सजा देने आती है वो। विरह की आंख में न जल जाऊं ये सोचकर डर जाती है वो। देह नहीं दिल घायल है मानती है वो। मरहम उसे ही लगाना है जानती है वो। राजकुमारी, लाल जी ने गुरु आदित्य से कहा था कि इनकी हर उचित इच्छा का मान रखा जाए, इसलिए उनके शब्दों का मान रखने के लिए क्रोध करती है। अब इस बेचारे का क्या दोष? अकारण ही है आपके क्रोध का शिकार हो गया। इधर आओ। आप तो जानती हैं समझौते की शर्त। विनयादित्य जी ने इतना प्रयास करके इसे ढूंढा। आपके मीरस मान्यखेट के बाजारों में ये सरलता से उपलब्ध भी तो नहीं होता। इतना प्रयास किया विनयादित्य जी ने और आप हैं। इतने परिश्रम से वो लेकर आए और आप देखिए। शुक्र है जीवित है। विनयादित्य जी की मेहनत विफल हो जाती ना। सुलोचना सूली तैयार है। जी अब तक तैयार नहीं हुई ना। मौत प्रमोद करना है कर लो कि अब समय शेष नहीं। प्रेम का आकाश अनंत है अशेष है। तेरी गर मान भी लो ये शेष भी शेष है।
आज से तेरी मेरी तबीयत की लुटती है। तेरी सूरत ना देखूं तो मेरी जान निकलती है। आइए राजकुमारी, आपके आने जाने से अब खारावास भी अपना सही लगता है, चहल पहल बनी रहती है। ध्यान दीजिएगा राजकुमारी, बढ़ेगा जितना आमर्श, जितनी यातना बढ़ेगी आकर्षण भी उतना ही बढ़ेगा। बहुत घमंड है ना तुम्हें, इस घमंड ने तुम्हारा साहस बढ़ा रखा है। तुम्हारे इस अहंकार को चूर चूर कर हम रेत में उड़ा देंगे। मैं ही तो हूं अस्तित्व में, घृणा में, मस्तिष्क में। मिटा देंगे हम तुम्हारा ये अहंकार। मिटा दोगी तो मिट जाएंगे, मिटा दोगी तो मिट जाएंगे। पर ये अभिमान ना मिट पाएगा। मेरे तन मन का अभिमान हो तुम, तेरे संग वो रह जाएगा। मेरे प्राण रहे ना रहे, मेरे दर्द का एहसास तेरी पलकों पे रह जाएगा। आपका निर्णय अब भी वही है। हमें ना तो कोई प्रश्न चाहिए और ना ही कोई परामर्श। एक बार पुनर्विचार कर लीजिए। सुलोचना, जो कहा जा रहा है वो करो।